हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई आंखें देखो कैसे सूजी हुई है। रात को लगभग सोते सोते 2:30 बज गया था। लास्ट आपने देखा कि 1:30 पौने 2 बजे तक हम लोग नीचे ही थे, और अभी फिलहाल सारी तैयारियां करके बैठे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे डेकोरेशन रेडी है, यहाँ पे गणपति बप्पा आके बैठे हुए हैं और पूजा की सामग्री सब आके रखी हुई है। अब पंडित जी का इंतजार हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं 8:15। पंडित जी ने 8 बजे तक बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 8 बजे तक पहुंच पाएंगे। यार उनको भी काम होता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना सुबह आ जाओ। तो पहले तो उन्होंने बोला 5 बजे आ जाओ। मैंने बोला यार 5 बजे कैसे तैयार हो पाएंगे इतना जल्दी। तो फिलहाल उन्होंने मुझे टाइम दिया था 8 बजे का, लेकिन 8 बजे तक पॉसिबल नहीं है। तो हम तो तैयार हैं और पापा भी गए हैं, सिर्फ आम आम का जो पत्ती होता है वो लाने के लिए, आम मतलब आम के पेड़ में से तोड़ने गए हैं। तो वो आ जाएंगे और पंडित जी आ जाएंगे, तो अपनी पूजा की कहानी चालू करेंगे। और बाकी देखो सब लोग तैयार होकर घर में घूम रहे हैं। रुको दिखाता हूँ। तो भाई देखो ये भी तैयार होकर घूम रही है। ये सुबह 3 बजे उठी हुई थी, और मम्मी भी तैयार हो गई है। तो बिशु सुबह 3 बजे उठ के, कितना, 4 बजे, 4 बजे उठ के चना को मतलब वो लील के, और फिर इसने अपना व्रत ख़त्म किया। तो भाई इसने अपना जो व्रत खोला, मतलब पानी तो रात को ही पी लिया था, क्योंकि जो सही समय मुहूर्त था वो शाम को ही था। इतना टाइम इसने सुबह चना घोटा और अपना व्रत खोल लिया। तो अभी ये चाय पानी अपना कर रही है, तो चाय वाय कुछ तो पिएगी, क्योंकि खाली पेट, कल से पूरा दिन वो खाली थी। तो अभी मैं जब तक गणपति जी स्थापित नहीं हो जाते तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो फिलहाल इंतज़ार कर रहे पंडित जी का। चलो मिलते हैं यार, आ जाए पंडित जी बस। तो हमारे पंडित जी यहाँ पर आ चुके हैं और टाइम हो गया है 8:45। 8 बजे बोल के 45 मिनट लेट जी आ गए हैं। और पंडित जी नहीं है, हमारे अनुज भैया है। तो अभी पूजा चालू होगी, तो सिर्फ स्थापना करना है जल्दी जल्दी। पापा गए आम की पत्ती लेने के लिए, वो लेके आ जाए, फिर चालू करते हैं पूजा और गणपति पापा को स्थापित करते हैं। भाई देखो यहाँ पे अपने गणपति बप्पा रखे जा चुके हैं यहाँ पर। अभी सब सामान दे देता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पर पूजा पापा और मम्मी सुनने वाले हैं। ए न सुनी, इनको घुघुट काढ़े पड़े था, नहीं भी था मना कही दी, सुने भी था। गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति पापा मोरिया। ये है अपने गणपति पप्पा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कल रात को रिवील नहीं किया था, और अभी देखिए क्या मस्त दिख रहे हैं यार। भाई यही सरप्राइज था कि गणपति पप्पा को आपको दिखाना था, तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणपति पप्पा। तो ये मैं कल रात को ही दिखाने चाहता था, क्योंकि हम लोग ने जो मूर्ति ऑर्डर की थी वो टाइम पे हमने इनके जो वस्त्र वगैरह थे वो नहीं, मूर्ति एकदम सादी सादी थी। मैं आपको फोटो वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन जब हम वहाँ पे लेने के लिए गए तो हमारा सब कुछ श्रृंगार किया हुआ सजा हो जाके तब उन्होंने दिया। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे डायरेक्टली मूर्ति नहीं दिखाई थी, मैंने बोला कि मैं घर पे जब आऊँगा और जब स्थापित करेंगे तब दिखाएंगे आपको। तो भाई यहाँ पे गांठ जोड़ने का काम मुझे मिल गया है, क्योंकि मेरी बुआ टाइम पे नहीं पहुंच पाई है। तो जो भी बुआ का पद रहेगा वो मुझे मिलने वाला है। तो बुआ वीडियो देख के परेशान मत हो जाना। हेलो जी, बोलिए। और
चलो 12 बजे के बाद पहुँचेंगे। फोन करेंगे हम निकलने से आधा घंटा पहले आपको कॉल करेंगे। आप तैयारी करके रखिएगा। ओम माधवाय नमः। तीन बार करेंगे। ओम नारायण नमः। हस्तो प्राक्षाय गोविंदाय नमः। ओम भूतपुनामे छिद्रेणे पवित्रेणे सूर्यस्य रश्मिः तस्य ते पवित्रपदये पवित्रभूतस्य यत् कामः पुने तच्चकेयम्। ओम चंदनम महत्प्रोलयम् पवित्रम् पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यम् ललाटे हरिचंदनम् ललाटे हरिचंदनम भद्रं करणे वेद्रुणयां देवा भद्रं वसे देवैदिङ्गदायु सतमेन्नो जरदो यन्ति देवा यत्रान् सग्राजरसन्दनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मजा निजादिगन्धो जदिति यद्योरदिरयन्तरिक्षमदिरमाता स पिता स पुत्र विशेरदे भाग्यदिति पञ्च जनाः अदितिरजातमरिर्जने त्वम् स्वातान्ते ब्रह्म शान्तिः सर्वग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः दामः शान्तिरेः सरिभ्य ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विनायक धर्मकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्र उपजानन द्वादश तानि नामानि यपटक्षयादपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश विष्णु 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 श्रीमद्भुतो विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो दिति भ्राते सुचेताकलि देव सुन्दरे अष्टाविंशतिमीये कलिगे कदंजले जम्बू दिवतंडे भारत वर्ते आर्यवंतत्कृत देशे भारत देशे गुजरात प्रदेश दास्तान ग्रामे गोल्डन पॉइंट सोसाइटी मध्य रूम नंबर 304 रूम नंबर 304 मध्य मासा नामा सप्तमे मासे भाद्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां तिथौ आचार्ये मंगलवार दिने प्रातः काले भारद्वाज गोत्रोत्पन्न विश्वेश्वरनाथ भक्तस्य है स पत्नी कायाम है अपन नाम ले लिया हुआ अपने मन में स परिवारस्य है छह मेस्त पूरे आरोग्य है धर्म वृद्धि माधि बहुत कादि दैवी तीव्रता पश्मनार्थ धर्मार्थ काम है मोक्ष फल प्राप्त अर्थ है नित्य कल्याण लाभाय है भगवत प्रत्यर्थ गौरी गणपति कलश नवग्रह पृथ्वी ढाई दिन का होना ढाई दिने हैं गणपति उत्सव मूर्ति स्थापना इतद ब्राह्मण द्वारा पूजनम संकल्पम तुभ्यम अहम च करिष्येत छोड़ लंबोद्रजन्नी गौरी आयम च वर्यामि हेमतनया देवी वरदा संकृत्यां लंबोद्रजन्नी गौरी आयम च
में ओम गौरी गणपतये नमः। इत्तम नाना मणिग्रहदम इदम हेम वयम दिव्यम आसनम प्रतिगृहताम आसनम समर्पयामि आसनम गृहणामि। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम यज्ञोपवीतम बलमातुज यज्ञोपवीतम बलमातुज। ये वहां तक आते ही जो ने था आशीर्वाद देता ना जय मधुच सर्वकांत पंचात यानीतम अस्नातम प्रतिगृहताम अहम पंचात स्नम समर्पयामि। पुष्प्रेणो समुत्पन्नम सुस्वादो मधुर मधु तेज पुष्टिकर दिव्यम अस्नात प्रतिगृहताम अहम। ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् दर्शिनः कुरु। ओम सुदर्शनमञ्जलम समर्पयामि। सिंदूरम प्रतिग्रहतामं सिंदूरम समर्पयामि। ओम श्रीकंडनम चंदनम दिव्यम गंधारम सुमनोहरम मत्मनीयम जलम समर्पयामि। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणदंत दयावंत चार भुजाधारी मार्ग दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पे सिंदूर सोहे मुसकी सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश संसार सारम सतम विजयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद्य साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सूर्यकोटि समग्र निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम चंद्रमा मनसो जात जो सूर्यो अजायत श्रोता देवायुश्च प्राणश्च मुखादिकम् तो भाई यहाँ पर स्थापना हो चुकी है हमारी गणेश पक्की। देखिए परसों हम घर है महेश लोग देखे सिविल में भर्ती हैं। चलो अभी ना अभी यार एक्चुअल में नीचे देखिए स्थापना की तैयारी हो चुकी है तो वहाँ पे पूजा भी चालू हो गई है और मैं पहुँच नहीं पाया। देखिए वहाँ भी पूजा चालू हो गई है तो मुझे पहुँचना चाहिए वहाँ पे तो फटाफट चलो अभी जाके आता हूँ वहाँ से भी। तो भाई घर का तो हो गया स्थापना अभी फटाफट जाते हैं और जो सोसाइटी की पूजा है वो चालू हो गई है। तो यार मैंने अभी तक चाय पानी कुछ नहीं किया है तो मैंने सोचा इसी साथ में वहाँ भी पूजा करवा लेता हूँ इसलिए फटाफट जा रहा हूँ। तो चलो पहुँचते हैं। पुत्र एकदम सही टाइम पे पहुँच चुका हूँ। गणपति जी का चेहरा दिखने वाला है और फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ। भाई हमारे सोसाइटी के गणपति ये पंडित जी ये चक्रोड़ वाला विशाल ये किशन किशन कन्हैया लाल की जय। हाय गाइस तो भाई एकदम सही टाइम पे आ गया। लाइक फॉलो करो फटाफट। देखो यार मंगल मूर्ति भी वहाँ पे है।
तो गणपति बप्पा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। छत्तर यहाँ ग्राम देवता भ्यो नमः, वास्तु देवता भ्यो नमः, स्थान देवता भ्यो नमः, सरयो भ्यो देयो भ्यो नमः, सरयो भ्यो ब्राह्मणो भ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद् गणाधि तिथि में कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारत वर्षे आर्यव्रत कड़ोदरा नगरे दस्तान ग्रामे संत करे सेवा, का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश की पार्वती पिता महादेवा। यहाँ पर अपना जो है यहाँ पे स्थापना हो चुकी है जो सार्वजनिक गणपति था उसका। और देखो सब लोग नीचे आ गए थे आरती के लिए, तो अभी दिन को इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन शाम को ना काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे। तो चलो स्थापना हो गया, यहाँ के आपको मूर्ति दिखाता हूँ। देखिए भाई ये अपनी बड़ी मूर्ति और ये अपनी मंगल मूर्ति, और यहाँ पे देखो प्रसाद की कटिंग हो रही है। चक्रोट जो है वो भी प्रसाद कट कर रहे हैं। अमोनिया जो है वो तो प्रसाद तोड़ तोड़ के दे रहा है। इसका नाम क्या बता? चक्रो। देखो यहाँ पर चाचा आए हुए हैं, निखिल पेट पूजा चालू है, और साथ साथ में देखो, और हाँ ये देखो बुआ जी आई है झगड़ा करने के लिए। और ये देखो ये कौन है, ये देखा ये पूजा में आई है, पूजा से पहले पेट पूजा होता। और ये देखो तो देख लिया भाई, जानबूझ के मैंने वीडियो बंद नहीं किया, आज आपको असली चेहरा दिखाई दिया होगा। तो ये ना रात को सोई हुई नहीं थी, बस चिल्लम चिल्ली कर रही थी फालतू में, नैयर फोन लगा के बतला रही ना, 2:30 बजे सो बोई करे और बीच में फोन करके जगा रहे। 3 बजे सोई, मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे मैं डेकोरेशन करके गया तब से सो रही थी वो 12 बजे से, और बोले कि मैं सोई ही नहीं। मम्मी से पूछी हम आंखी देखे जब फोन करे रहे, ये कैमरा मैं कैमरा छुपा के गया था भाई, इसको मालूम नहीं है। तो भाई देखो नेहा और निखिल और चाचा सब लोग जा रहे हैं, अभी डायरेक्टली लास्ट दिन आएंगे, लास्ट दिन मतलब 2 दिन के बाद। चलो और नीचे छोड़ के आते हैं, बारिश है गजब की। और चाचा कब का सोच रहे थे कि बारिश थोड़ा कम हो तो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या कम होने वाली है, देख रहे हो बिल्डिंग के सामने क्या हो गया है, पानी नदियाँ यहीं पे आ गई है। ये जैसे गेट से बाहर निकलते तो वहाँ की हालत है, और साला धूप जैसा भी है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। चलो यार मुझे एक प्लग लेना था वो मैं ख़रीद लेता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ बस ये सोच रहा हूँ। चलो आता हूँ भाई। यार एक 3 पिन लेने गया था और उसमें मैं पूरा भीग गया देखो, लेकिन 3 पिन लेना ज़रूरी था। एक लाइटिंग और लेके आया हूँ तो जो मुझे लगाना है, तो उसको लगाने के लिए यार पहले लिफ्ट में चढ़ जाता हूँ। तो भाई एक और लाइट लाया हूँ तो उसमें 3 पिन ज्वाइन कर दूंगा, और मेरे पास वायर था पहले से, तो देखो लाइट का जो है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, तो क्योंकि सामने से कोई फोकस नहीं मार रहा था उसमें। तो चलो पहले लाइट को लगाते और आपको दिखाता हूँ लाइट का है। लाइट जो थी इसके लिए मैं ये लेने गया था, और अब भी मैंने इसमें वायर को फिट कर दिया है, और ये वाले प्लग से इसको लगाते हैं और चालू करते हो। गजब भाई, अंधेरे में दिखाता हूँ आपको, मस्त लाइट कर रहा है देखो। ये तो इतना छोटा सा है लेकिन फोकस बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो मेरे पूरे घर में लाइट लाइट आ गया। ये मल्टी कलर वाला लाइट था भाई, तो अब भी पहले वायर जो ये निकला हुआ है इसको वायर को फिट कर देता हूँ इसके पीछे से। हो गया है शाम का टाइम, और देखो अंधेरा होने के बाद भी लाइट कितना अच्छा आ रहा है। तो अभी थोड़े टाइम में फिर आरती वगैरह होगा, तो आरती वगैरह करेंगे तब तक। अभी तो फिलहाल हो रहा है 6:15, तो सब लोग एकदम साफ़ सफाई करके वापस से बैठे, तो फिर उनको भोग लगेगा और फिर से आरती वगैरह सब कुछ होगा।
चलो मिलते हैं आरती के टाइम। तो भाई हम लोग सब लोग नीचे आ गए, देखो यहाँ पर आरती होने वाली है, 8 बजे का टाइम है। अभी यहाँ पे आरती करने के बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखो सब लोग जमा हो गए। तो आज फर्स्ट डे था तो सब लोग कम जमा हुए क्योंकि टाइम का थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अभी धीरे धीरे सब लोग कल से टाइम पे आने लगेंगे शाम को। तो यहाँ पर देखो जो हमारे सोसाइटी की बुआ जी है वो भी आ गई है, भौजी जी आ गई है, और ये भी भौजी जी आ गई, मतलब ननद की भौजी आ गई है, मुस्कान आ गई है, तू भी आए। तो यहाँ पे देखो ऊपर सब हो गया। तो अब भी देखो एक और चीज हो गया है यहाँ पे, यहाँ पर एक छोटी गणपति और आ गई है। पर नीचे जो था वो आरती हो गया। अभी मैं जल्दी जल्दी भाग के जा रहा हूँ, अपने घर पे भी आरती करना है। तो चलो अभी घर पे पहुँचते हैं आरती करने के लिए। नगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मृगयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पर घर में जो है वो आरती हो चुकी है और सब लोग देखो यहाँ पर आरती करके बैठे हुए हैं। और अभी नीचे ना गरबा होने वाला है 10 बजे से, तो हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा के फिर नीचे जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। तो चलो यहाँ देखा बैठ के कहानी किस्सा होता होना जरूरी है भाई। चलो 10 बजे फिर नीचे जाएंगे। तो मेरे जीवन की नैया की खबर में उड़े आए झटपट पार लगा दे वो झटपट पार लगा दे वो झटपट पार लगा दे मुझे अपना बना ले बोले बोले अपना बना ले तूने मेरा दिल ले लिया।
वहीं धीरे धीरे भीड़ बढ़ते हुए घर पे जा रहे हैं। अभी हो गया है 12:30 और यहाँ पर मंदिर में ताला लग रहा है और यहाँ पे 2-3 बच्चे सोने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इन लोग सोने जा रहे हैं। तो यार चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल मॉर्निंग। तो अपना दूसरा दिन चालू होगा गणपति का, तो कल की आरती करेंगे, नीचे आरती करेंगे। तो यार कल मिलते डायरेक्टली, चलो बाय।